खुद करते हैं तो भतीजे या दोनों करते हैं। क्या मॉडल गारंटी है पर इनसे रुपए किसी अदर पर्सन खाते में किए वो भी इनोसेंट है। मुंबई का लेकिन इनोसेंट है, उसने अपना खाता फ्रीज करा दिया, उसको भी नहीं पता उसका खाता कौन होल्डर है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। एक ही बैंक है अलग-अलग बैंक से एक ही खाता जाता है। प्रोग्राम वॉच देंगे उसको आप समझ नहीं सकते। मोस्टली बुक्स देंगे हम आपको, मतलब बच्चों को बुक्स मिले तो ज्यादा अच्छा रहता है, पैसे बच्चों को देंगे। हमें कल हमारे पास एक वुलन फैक्ट्री के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम सुरेश राठी जी है, ये साइबर थाने पे आए थे। उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी जिसको तुरंत साइबर सेल रिस्पांस टीम में भेजा गया और वहाँ पे ये देखा गया कि उनके विभिन्न अकाउंट्स से अलग अलग राशि अलग अलग ट्रांजैक्शन से उनके निकलने की कटने की सूचना उनके पास SMS के ज़रिए आई। उसको तुरंत फॉलोअप करके कल रात से ही साइबर सेल की जो हमारी टीम थी वो लगी हुई थी और उसने लगभग जो ये जितने सारे ट्रांजैक्शन से पैसा गया था लगभग 72 लाख रुपए के आसपास टोटल अमाउंट था, उसमें से 53 लाख को अभी तक फ्रीज़ कराकर रिकवर कराया जा चुका है और अभी भी हमारी टीम लगातार इस पे काम कर रही है। और इसमें जो भी इसमें अन्य अनुसंधान भी चल रहा है कि वास्तव में इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कैसे क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाकर इसको किया गया था। तक की जानकारी से यह आया है कभी कभार पूरे बैंक के सर्वर को हैक करने की कोशिश करके भी इस तरीके का काम किया जा सकता है, बट क्योंकि इनके अभी तक OTP या कोई लिंक या इस तरीके की सूचना अभी तक इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हम हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी उस हिसाब से भी हम विधिक कार्रवाई करेंगे।